भैया मोबाइल देखने गिर गया था। वैसे कहाँ गिरा था? लैट्रिन में। जितने भी मेरे भाई फोन रिपेयरिंग की शॉप चलाते हैं कृपया इस पर ध्यान दें, और अगर हमें तू भी इस वीडियो को देख रहा है तो तू भी जरा ध्यान दे लेना। अरे वाह, ये तो दुनिया का 8वां अजूबा देख रहा हूँ भाई। हाँ। तू घर आ जा, दुनिया का 9वां अजूबा भी दिखाता हूँ। तो राम राम मेरे प्यारे यूनो की हलचल मजामा, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल द पेट्रियट ऑफिशियल में, और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। क्या भाई अब हमारे सल्लू भाई को चैन से पानी भी नहीं पीने दोगे? चीज है जिसे हम पीने के लिए खरीदते पी नहीं सकते। मैं अगर मेरे में कॉमन सेंस होती मैं भालू बनता। लॉजिक तो है भाई की बात में। माँ की कसम तेरा इंतजार मैं करूँगा अगर कुत्ते का बच्चा होगा आज आगे। क्या कुत्ते का बच्चा होगा तो इंतजार करूँगा। देखो भाई, इसीलिए इंसान को सूखे नशे नहीं करने चाहिए। पाकिस्तानी एंकर इन 1900, पाकिस्तानी एंकर नाउ। 1900 में ना टीवी था ना पाकिस्तान। ये कौन नमूने और कहाँ से आते हैं जो इस तरह की पोस्ट करते हैं? हमारे देश का राष्ट्रीय गान कौन सा है? गणेश वंदना। ओम गणपते नमो। लैला में लैला। लैला में लैला। लैला पहले वाला तो तब भी सही था, उसने देशभक्ति से ना सही, कम से कम भक्ति से तो रिलेट कर ही दिया, बट दूसरे वाला तो नेक्स्ट ही लेवल पर निकल गया। गवर्नमेंट ने ये बहुत सही जोड़ी बनाई है, देखिए दिखा, ये नीले और हरे की जोड़ी। अरे साले, हरा गीले कचड़े के लिए और नीला सूखे कचड़े के लिए। जहाँ भी आपको ये दिखे कूड़ा डालना ना भूलें कृपया। बैगन। भाई बहुत ही गलत बात है, कृपया करके इस तरह की वीडियो ना बनाए, फालतू में इसके लिए भी कोई आंदोलन हो जाएगा। मैं इस तरह की वीडियो की कड़ी से भी ज्यादा कड़ी निंदा करता हूँ। रंग दल के अध्यक्ष बनना है, देश को संभालना है। देश को संभालना है, खुद को संभाल लिए। हाँ बिल्कुल। आईब्रो काट के चल रहे हो क्या? आपको अच्छा लग रहा है, जैसा क्वेश्चन वैसा ही रिप्लाई। आईब्रो का भाई देश संभालने से क्या लेना देना? क्यों हार गई ना कांग्रेस? 5 साल बाद देखना तेरी बहन का 5 साल मारूं। भाई क्या आप भी परेशान है चमचों के इस 5 साल से? यदि हाँ तो वीडियो को लाइक और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा, क्योंकि मैं भी चमचों के इस 5 साल से परेशान हो चुका हूँ। रिलीजियस जोक कैसे करते हैं? जैसे मुस्लिम लड़की, मुस्लिम लड़की हॉट दिखे बढ़िया, बॉम दिखे गलत। हाँ भाई, इन लोग का बॉम्बर जैकेट H&M से नहीं, ISIS से। क्या ही गजब बात कही है भाई ने, इस पर तो कभी फोकस ही नहीं किया था। अभी मैं आपको जो क्लिप दिखाने जा रहा हूँ, इस क्लिप के बाद पूरी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ फनी मीम्स ही हैं, तो कृपया करके वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, देश में जब भी कोई EVM की न्यूज बाहर आती है तो मैं उसे बिना पढ़े उस पर वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि मैं और मेरे सब्सक्राइबर्स दिमाग से नहीं किडनी से सोचते हैं। दोस्तों इलेक्शन के टाइम से ही EVM का मुद्दा काफी बार उठा, आपने देखा कैसे EVM हैक होने की वजह से बीजेपी 240 सीटें जीत पाई, वरना जिस हिसाब से मैं अपने वीडियोस बना रहा हूँ बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलनी चाहिए थी। मेरे वीडियो पे व्यूज और ट्विटर के पोल से साफ पता चलता है दोस्तों कि किस तरह से ये लोग हारने वाले थे, इसलिए इन लोगों ने जीतने के लिए EVM हैक करवाई। दोस्तों न्यूज देखिए कैसे महाराष्ट्र में EVM को हैक किया गया मोबाइल के उपयोग से। मैं जानता हूँ कि वीडियो मिसलीडिंग है, लेकिन मैं फिर भी ये वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि दो चीजें होती है, एक होता है हैक करना और दूसरा होता है ट्रिक करना। हैक तो EVM हो नहीं सकती है मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं अपने सब्सक्राइबर्स को ट्रिक जरूर कर सकता हूँ ऐसे वीडियोस बनाकर, ताकि मैं अपना प्रोपोगंडा प्रोपोगेट करूं। एक समय ऐसा भी था जब यही दो वैरायटी स्लॉटर लेस ईद मनाने के लिए रीट्वीट करता था, फेसबुक पे पोस्ट करता था, बट वो सबसे बेचारा पैसे नहीं कमा पा रहा था। लेकिन आज बीजेपी के खिलाफ फेक प्रोपोगंडा फैलाकर अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। लेकिन मेरे पास आप लोगों के लिए फेक न्यूज फैलाने के बजाय पैसा कमाने के लिए इससे बेहतर विकल्प है। अगर आप भी चाहते हैं घर बैठे पैसे कमाना, तो आपके लिए बिनोमो से अच्छा कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता। बिनोमो के द्वारा ट्रेडिंग सीखना और बिजी हो गया, यहाँ पर आप लोग देख सकते कि बिनोमो का इंटरफेस कुछ ऐसा है। और यदि आप इसके एजुकेशन सेक्शन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती हैं, जिसके द्वारा आप आसानी से ट्रेडिंग सीख सकते हैं। और यहाँ पर आपके डेमो अकाउंट में $10,000 मिलते हैं, जिससे आप लोग आसानी से ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सिंपली आपको अपना अमाउंट सिलेक्ट करना है, उसके बाद चूज करना है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। मैंने यहाँ पर प्रेडिक्ट किया है कि जो ग्राफ है वो ऊपर जाएगा, तो मैंने आपके लिए ₹2,000 लगा दिए। और अब वेट करते हैं ट्रेड कम्प्लीट होने का।
और लो मैं यहाँ पर 3,700 रुपए जीत गया। यहाँ पर आपको विड्रॉल और डिपॉजिट करना बहुत ही इजी है और बहुत सारे ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको विड्रॉल करने के लिए अमाउंट डालना है, फिर अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद रिक्वेस्ट विड्रॉल पर क्लिक कर देना है। थोड़ी ही देर में पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और लो मेरे अकाउंट में मेरा पैसा आ भी गया। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप लोग विनोमो डाउनलोड कर सकते हैं और आप अभी स्टार्ट कीजिए अपनी अर्निंग की जर्नी विद विनोमो। जिनको भी राम मंदिर से दिक्कत है और जिनको हिंदू धर्म से दिक्कत है, वो कृपया करके हमारे पास से ये दवाई ले जाओ और पी के मर जाओ। कोई दिक्कत नहीं है, ये फ्री सेवा में जनहित में जारी। जय सियाराम। नहीं भाई, मैं एकदम सीरियस होकर इस चीज की कड़ी निंदा करता हूँ। सबको जीने का हक है और चमचों को भाई इतना जलील करना बंद करो। वैसे आप काम क्या करते हो? जी मेरा ना एसी का काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा अच्छा, नाइस। और वैसे आपका नाम? अब्दुल। हिंदू लड़कियां कब से इतनी जागरूक हो गई? चलो जो भी है अच्छा। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही जागरूक होती रहे तो कभी कभार अपनी वीडियोस को भी शेयर कर दिया करो। तो गाइस पहले आप ये इंस्टाग्राम की वीडियो देखो, उसके बाद इसके फनी कमेंट्स पढ़ेंगे। लेट्स गो। अपने लहू के घूंट की, अपने लहू के घूंट की आह न कर, लबों को सी इश्तिहा दिल लगी नहीं, दिल लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई का कॉम्प्लेन लेके भाग गई लगता है। ऊपर वाले ने हाइट काट दी और नीचे वाले ने लुल्ली। भाई का गम भाई के हाइट से भी ज्यादा बड़ा है। मकसद अधूरा है। अब्दुल आफ्टर मिशन फेल्ड। यही तो है शबनम का आशिक। ये बढ़िया था भाई, मैं भी सोच रहा हूँ क्यों ना अपने चैनल पर भी ऐसे ही लाइव स्टार्ट किया जाए। वैसे भी अपने चैनल पर संडे टू संडे सर मंथ में 4 ही वीडियोस आती हैं। बाकी के दोनों हम लोग भी साथ में लाइव करते हैं, यहाँ पर पॉलिटिकल्स मीम और उसके अलावा अदर्स मीम को भी देखते हैं, उनकी कमेंट्स का भी रिव्यू करते हैं। कैसा रहेगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। लगता है कि भाई ने ताजा ताजा इस्लाम अपनाया है। झूठी बात करते मोदी दो करते, कैसे करते हैं झूठी बात ये तो बताएं। लोगों को बेरोजगार पे सवाल नहीं उठाते हो? हाँ बेरोजगार हूँ। क्या करते हो? कुछ भी नहीं। पढ़ाई कितनी है आपकी? ग्रेजुएशन हुआ मेरा। ग्रेजुएशन किस में? फार्म भरा भरे हो? हाँ भरता ना फार्म। कौन सा फार्म भरा? लाट अभी एमपीसी का भरा था। एमपीसी का भरा था, करंट नॉलेज तो होगी थोड़ी बहुत। देश के राष्ट्रपति का नाम बताइए। ये मुरू में है। क्या बोला तूने? क्या मुरू में? मुरू मुरू समझ रहे हो? देश के राष्ट्रपति का नाम पता नहीं है, ग्रेजुएट करके बैठे हैं। गांधी जी हैं। क्या गांधी जी? अबे भाई एक से बढ़कर एक नमूने बैठे हुए हैं। ए हां बोलिए सर। दो जगह मीठा लाओ। ए सुन सुन। हाँ बोलिए सर। दो को कांग्रेसी काम है इसमें। दो को कांग्रेसी काम है, लेके आ जल्दी। हाँ समझदार आदमी है, जाओ। भाई देखो अब से मैं भी यही करूंगा, कभी कभार मेरी प्लेट में भी एक आध कांग्रेसी कम हो जाता है। बबली तेरो मोबाइल वाबे। हेलो आप करण जी बोल रहे हैं? हाँ हाँ करण बोल रहा हूँ। सर मैं ये कह रहा था कि गवर्नमेंट एयर इंडिया बेच रही है। एयर इंडिया बेच रही है? हाँ तो क्या आप खरीदना चाहोगे? अरे भाई साहब हम कहाँ से खरीदेंगे, इतने पैसे खाए हमारे पास, गरीब आदमी हम तो। इसीलिए मैंने पहले आपसे पूछ लिया, बाद में आप हल्ला मत मचाना कि मोदी जी ने अंबानी अडानी को बेच दिया। फैक्ट है भाई, चमचों से पूछना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बाद में खामा खा फालतू का हल्ला मचाते हैं। नमस्कार अनु अवस्थी जी। नमस्कार नमस्कार। मैं कानपुर आई थी और मैं यहाँ आऊँ और आपसे ना मिलूँ तो ये तो हो ही नहीं सकता। अरे सौभाग्य है मेरा। हर बंदा जानता है, कानपुर के सारे वासी जानते हैं कि जानी मानी हस्ती से आज मैं यहाँ पे मिलने आई हूँ। मैं प्रियंका आहूजा। हाँ जी, तो मैं कुछ आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ। अच्छा तो आई कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से आई हूँ। अच्छा अच्छा, बताइए प्रियंका जी। अनु भैया जो एयरपोर्ट में कंगना रनावत के साथ थप्पड़ वाला कांड हुआ है, क्या आपको याद है? हाँ, जिसमें कुलविंदर कौर नाम की महिला ने कंगना जी के थप्पड़ मारा था ना? जी हाँ, और कई नेताओं और सेलिब्रिटीज ने उसका समर्थन भी किया है। अच्छा तो ये क्यों थप्पड़ मारा कुलविंदर ने कंगना जी के?
क्योंकि वो अपने माँ के मुद्दे को लेकर के नाराज थी। ठीक ठीक जी। अगर कुलविंदर कौर अपनी माँ के मुद्दे को लेके कंगना के ऊपर नाराज थी तो उन्होंने थप्पड़ मार दिया कंगना के, यही कहना चाहिए ना जी। तो नाथूराम गोडसे भारत माँ के मुद्दे को लेके गांधी जी से बहुत नाराज थे तो उन्होंने गोली मार दी, यही है ना। कैमरा बंद। अरे बात करिए पूरी आप। कैमरा बंद करो। अरे ये कौन सी बात हुई? अनु अवस्थी भाई की बात से मैं बिल्कुल ये एग्री हूँ, ये कौन सी बात हुई? वैसे कंगना को थप्पड़ मारा तो कांग्रेसियों के अकॉर्डिंग ठीक था। अगर हम कांग्रेसियों के अकॉर्डिंग ही देखें तो इंदिरा गांधी के हत्यारों ने जब उनकी हत्या कर दी थी तो वो भी गोल्डन टेंपल वाली घटना से आहत थे, तो कांग्रेसियों के अकॉर्डिंग वो भी ठीक ही था। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम भाइयों। यार मेरी कार हो गई असल में पंचर, और आज है रमजान, कोई पंचर वाला मिल ही नहीं रहा यार। और मजाक से हटके, मजाक वाली बात नहीं कर रहा हूँ, सही में यार भाई कोई नहीं मिल रहा। गाड़ी भी पंचर है, उसका भी सबूत देता हूँ। अब समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या यार। ये देख लो, ये टायर का प्रेशर 26 है, और देखो ये ब्लिंक हो रहा है, ये देखो ये ब्लिंक हो रहा है, और ये सामने की स्थिति देखो रोड पे बिल्कुल सुन सपाट पड़ा हुआ है। अब संपट ही नहीं बैठ रही, करूँ क्या यार, गाड़ी का पंचर कैसे बनवाऊँ। हम लोग अक्सर अपने मजाही भाइयों का मजाक उड़ाते हैं पंचर जोड़ने को लेकर, बट आप लोग खुद ही देख लीजिए सिर्फ एक दिन दुकान बंद होने से हम लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप सारी बहनों ने, जबकि आप मुस्लिम हैं, तो आपने हिंदू लोगों से विवाह क्यों किया? क्या अब क्या हिंदू मुस्लिम देखना, जब भगवान नहीं लड़ रहे तो हम इंसान क्यों लड़ रहे? कुरान पढ़े आप? हाँ जी। कुरान में क्या ये लिखा है कि गाय को काट के खाना? बिल्कुल भी नहीं। हमारे इसमें तो ये भी नहीं लिखा कि बकरी को काटो। अच्छा, हमारा एक किस्सा है कि उनको बोला गया था कि कुर्बानी देने के लिए अपने बच्चे की, तो वो जब कुर्बानी देने गए तो उन्होंने बकरी को रख दिया, बट उन्होंने कुर्बानी देने को नहीं बोला। तो हमारे इसमें बिल्कुल नहीं लिखा है कि आप बकरी को, भैंस को, गाय को काटो, बिल्कुल भी नहीं लिखा। तो फिर क्यों काटते हैं? बट फिर भी काटते, पता नहीं मुझे। मतलब कुरान में लिखा नहीं है जी? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा है। मैं कुरान शरीफ भी पढ़ती हूँ, बिल्कुल नहीं लिखा है ऐसा कुछ। मतलब मनमाना चल रहा है? हाँ, मनमाना। मैं आपको बताऊँ पंडित जी, गीता में कुरान में दोनों सेम है। मतलब जैसे कि सब अच्छी बातें सिखाई है, बट इंसान कुछ और ही फॉलो कर रहा है। इंसानों की गलती है ना कि किताबों की। बहन आपकी सब बातों से एग्री हूँ, बट दोनों ही सेम है, इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। और आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको भी लगता है कि दोनों ही सेम है, तो कृपया करके एक बार मेरे कहने पर आप गूगल ओपन कीजिएगा, उस पर सर्च कीजिएगा कुरान की 26 आयतें इन हिंदी। उसके बाद जो भी वेबसाइट है, आप कोई सी भी वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा, उसके बाद उन आयतों को पढ़ लीजिएगा। अगर आपको यकीन ना हो कि ये गलत लिखा हो सकता है इस वेबसाइट पे, तो आप जाकर एक बार किसी दूसरी वेबसाइट पे पढ़ लीजिएगा, तीसरी पे पढ़ लीजिएगा, आपको सब वेबसाइटों पर सेम मिलेगा। और यदि आपको ये सब पढ़ने के बावजूद भी फिर भी यकीन ना हो, आपको लगे कि इंटरनेट पे ही गलत बता रहा है, गूगल ही हमें गलत बता रहा है, तो आप एक काम कीजिएगा, ऑनलाइन या किसी भी ऑफलाइन स्टोर से कुरान को हिंदी में खरीद लीजिएगा, अगर आपको उर्दू आती है तो और अच्छी बात। उसके बाद गूगल पर इन वेबसाइट पर जो आयत नंबर, जो सूरह नंबर बता रखे हैं, उन्हें नोट करके आप उस किताब में जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा, आपका सारा का सारा भ्रम दूर हो जाएगा। आई न्यू फ्रॉम अ वेरी यंग एज दैट आई वाज नॉट मेंट टू लव वन पर्सन। एक जने के साथ सारी जिंदगी, नो चांस। वो भी इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को अपग्रेड करना चाहिए। वो तो कब का अपग्रेड करना चाहिए था। माय फ्रेंड एंड आई वी जोक अबाउट हाउ आई थिंक इट्स समवेयर, आई डोंट नो व्हिच स्कैंडिनेवियन कंट्री, दे हैव दिस थिंग वेयर यू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट कि इफ यू आर गेटिंग मैरिड आल्सो इट्स लाइक 2 साल करते हैं, फिर देखते हैं, फिर हम रिन्यू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे ही होना चाहिए ना, थोड़ा आप देखो कि चल रहा है कि नहीं, अब धस गए हम इसमें, अब तो हो गई, अब क्या, यू नो, लाइक एवरीबॉडीज एटीट्यूड टुवर्ड कि एक बार हो गया तो यू शुड डू कॉमेडी, बोझ है अब ये बोझ ढोते रहेंगे, कभी इधर फेंकेंगे, कभी उधर फेंकेंगे, कभी उसको लेके खेल लेंगे, फिर छोड़ देंगे। मतलब क्या है ये, व्हाट इज दिस ऑब्लिगेशन, यू नो, एंड दैट ऑब्लिगेशन बिकमिंग लाइक अ बर्डन, लाइक इट डजंट मेक सेंस। तो कमिटिंग टू वन पर्सन एट अ टाइम, फॉर मी आई डोंट नो, आई एम कमिटेड टू एवरीबॉडी साइमल्टेनियसली, माय कमिटमेंट इज वेरी डीप, इट्स जस्ट आई डोंट लाइक बाउंड्रीज। मोहतरमा, इतना घुमा फिरा कर कहने की क्या जरूरत है, सीधे कहे नहीं बोल देती हूँ कि आपको दिल्ली का जीबी रोड कुछ ज्यादा ही पसंद है। तो बस मेरे प्यारे आई बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिए। बाकी का मैंने आप लोगों के लिए जो लाइव वाला बोला था कि डेली लाइव करते हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन लाइव करते हैं, जहाँ पर हम फनी मीम्स का व पॉलिटिकल मीम का रिव्यू करेंगे और उनके कमेंट्स का भी रिव्यू करेंगे। ऐसा लगता है आपको करना चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। पाकिस्तान पे एक बार इंग्लैंड ने हमला कर दिया तो वो पाकिस्तान का सैनिक दौड़ता हुआ गया जनरल के पास, बोले जनरल जनरल इंग्लैंड ने हमला कर दिया, आप क्या करें? जनरल बोला कोई बात नहीं, हम बड़ी जद्दोजहद के साथ लड़ेंगे, इंशाल्लाह हम जीतेंगे, लाओ मेरी लाल शर्ट। लाल शर्ट आई साहब, वो जनरल ने लाल शर्ट पहनी।
गई और लड़ाई करने चला गया। चार पांच दिन तक लड़ाई चली, जैसे तैसे करके पाकिस्तान जीत गया, जीत का जश्न मनाया गया। जश्न मनाते हुए उस सिपाही ने पूछा कि जनरल साहब, लड़ाई में जाने के पहले आपने लाल शर्ट क्यों पहनी? तो जनरल ने जवाब दिया, मेरे दोस्त, वो लाल शर्ट मैंने इसलिए पहनी थी कि लड़ते समय अगर मैं घायल हो जाऊं तो मेरे लाल रंग का खून मेरे लाल रंग की शर्ट में छुप जाए, ताकि मेरा खून देखकर मेरे सैनिकों का हौसला ना गिरे। ताली गलत जगह बजा रहा है यार, ताली अब बजाना। इतने में ही भारत ने हमला कर दिया पाकिस्तान पे। फिर वो सैनिक गया दौड़ के, बोले जनरल जनरल, भारत ने हमला कर दिया, अब क्या करें? जनरल बोला, कोई बात नहीं, हम बड़ी जद्दोजहद के साथ लड़ेंगे, ला मेरा पीला पेंट।